वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बिहार में दरोगा की एक और भर्ती आ चुकी है। इससे पहले जो 2400 पदों पर भर्ती थी उसका तो आप सभी ने फॉर्म भरा और एग्ज़ाम भी आने वाला है 22 दिसंबर को, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर एक जो नई भर्ती आई है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज इस नई भर्ती के बारे में हम लोग सब कुछ जानेंगे कि कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, योग्यता क्या है, इसके लिए एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो कैसा होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो कैसा होगा, सब चीज़ देखेंगे। और कब से इसका फॉर्म लिया जाएगा, लास्ट डेट इसकी कब तक होगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वैसे ये नई भर्ती लाने का कोई मतलब नहीं था, जो भर्ती जिस समय आई थी उसी टाइम में इस भर्ती को भी उसमें इंक्लूड कर देना चाहिए था, क्योंकि अगर वो डिपार्टमेंट आपको अगर यही बोर्ड एग्ज़ाम ले रहा है तो एक ही साथ इंक्लूड करने में क्या दिक्कत थी। हो सकता है कि फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर चेंज है, लेकिन एग्ज़ाम का तो पैटर्न वैसा ही है, एग्ज़ाम का पैटर्न बिल्कुल सेम है उसी तरह से। तो इनको एग्ज़ाम तो कम से कम पीटी और मेंस ले लेना चाहिए था, बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड का जो डिफरेंस क्राइटेरिया था वो अलग अलग हो सकता था। लेकिन ये एक तरह से पैसा कमाने का एक नया तरीका है बिहार सरकार की तरफ से, और ये एक चुनावी जो है वो जो है चुनाव जब भी आता है तो वैकेंसी की बौछार लगाई जाती है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। फिर भी इस देखिए, ये सबसे पहले यहाँ पर आप देखें 2/12/2019 एडवर्टीजमेंट नंबर 2/2019 फॉर सिलेक्शन ऑफ इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर, ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर आता है। 212 वैकेंसी है यहाँ पर, और बिहार सरकार परिवहन विभाग के अंतर्गत वर्ष 2019 में प्रवर्तन अवर निरीक्षक के 212 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए सूचना। तो इस नोटिफिकेशन को हम लोग ओपन कर लेते हैं और ये नोटिफिकेशन में देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर ओपन हो चुका है, इसके अंदर देखिए क्या कहा गया है। इसके अंदर ये कहा गया है बिहार सरकार परिवहन विभाग के अंतर्गत वर्ष 2019 में प्रवर्तन अवर निरीक्षक यानी इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सूचना। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो मांगा गया है इसके प्रारंभ करने की तिथि है 3/12/2019 यानी आज 2 दिसंबर है, तो कल से ये 3 दिसंबर से इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है, लास्ट डेट जो इसका है वो है 6 जनवरी 2020 सोमवार का दिन लास्ट तिथि है। अगर यहाँ पर देख लेते हैं विज्ञापन संख्या 2/2019 में क्या कहा गया है। देखिए यहाँ पर है, ये पोस्ट का नाम है। वेतनमान की बात करें तो लेवल 6 के अंदर 35,400 से लेकर 1,12,400 तक ये इसका स्केल है, और इसके अंदर जो वैकेंसीज है टोटल 212, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस पर जो नियुक्ति है उसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि जो ऑनलाइन आवेदन मांगा जाएगा और इसमें एक अभ्यर्थी एक ही आवेदन करेंगे, तो ये तो सबको पता है। लिखित परीक्षा सबसे पहले देख लीजिए कि इसका जो पूरा प्रोसेस है, चयन की प्रक्रिया वो कैसी है। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगी, आयोग के द्वारा सभी अभ्यर्थियों के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी, ठीक उसी तरह से जैसे बिहार पुलिस के दरोगा का हुआ था, तो उसी तरह से ये भी सब इंस्पेक्टर है बिहार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर। यथा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगे, ठीक उसी तरह से जैसे बिहार SI का हुआ था, उसी तरह से ये बिहार ट्रांसपोर्ट SI का होगा। और आगे यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा के बारे में इन्होंने लिखा है 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। सामान्य ज्ञान समसामयिक मुद्दों से प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित कर दिए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना जो है वो मेरिट बनाई जाएगी और उसको फिर मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो बिल्कुल वही कहानी है जैसे आपने देखा है। यहाँ पर मुख्य परीक्षा के बारे में है, सम्मिलित होने वाले का को अवसर दिया जाएगा। जो सफल अभ्यर्थी होंगे मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे, पहला पत्र 200 अंकों का सामान्य हिंदी का होगा और दूसरा जो है वो सब में 100 अंक होंगे। उसके बाद 30% अंक लाना इसमें भी अनिवार्य होगा। जो दूसरा पत्र होगा उसके अंदर सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित और मानसिक योग्यता जाँच से संबंधित प्रश्न होगा। तो ये दूसरा जो पत्र होगा ये भी 200 अंकों का होगा और इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। तो बिल्कुल वही है जिस तरह से बिहार पुलिस के SI का था, ठीक उसी तरह से यहाँ पर रिटन एग्जाम का पूरा पैटर्न है। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग जो है वो कितनी है, 25% है। आगे क्या कहा गया ये देखिए, यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। मुख्य परीक्षा में जो लोग भी सफल होंगे उनको योग्यता के लिए जो न्यूनतम मापदंड होगा इस शारीरिक योग्यता के लिए वो इस प्रकार है। ऊंचाई यहाँ पर 165 सेंटीमीटर पुरुष के लिए होना चाहिए, महिला के लिए 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना सिर्फ पुरुषों के लिए जो है वो 79 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए।
आगे यहाँ पर देखिए, पैदल चलने की क्षमता, यहाँ पर ये चीज़ चेंज हुई है, ठीक है। यहाँ पर दौड़ वौड़ नहीं है, रेस नहीं है, यहाँ पर पैदल चलने की क्षमता आपसे जांची जाएगी। पुरुषों के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल आपको चलना होगा, ये टेस्ट होगा आपका। और जो महिला है उनके लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर का टेस्ट होगा। साक्षात्कार होगा इसके बाद, यहाँ पर इंटरव्यू भी होगा, ठीक है। तो ये जो हो गया पैदल चलना है, बाकी कोई लॉन्ग जंप हाई जंप नहीं है, नॉर्मल तरीके से आपको 4 घंटे के अंदर 25 किलोमीटर की दूरी आपको पैदल तय करनी है। ये क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, नहीं है तो आज से बनाना शुरू कर दीजिए। अगर आप इस पद को लिए अपनी नौकरी अगर ये पाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए मेहनत करनी होगी। साक्षात्कार के यहाँ पर क्या है, मुख्य लिखित परीक्षा में चयनित एवं शारीरिक दक्षता में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा, यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें उसके संपूर्ण व्यक्तित्व, विषयों के ज्ञान, सामयिक घटनाओं की जानकारी, रचनात्मक एवं सकारात्मक गुणों की परीक्षा एवं परिवहन विभाग में प्रवर्तन शाखा में कार्य करने की उनकी उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जाएगा। तो साक्षात्कार में किस तरह से पूछा जाएगा वो भी यहाँ पे डिटेल में लिख दिया गया है। टोटल 30 अंक जो होंगे वो इंटरव्यू के होंगे, इसमें जो भी मार्क्स आपको मिलेंगे उसके बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पर मेधा सूची कैसे बनेगी वो दिखा गया है। मेधा सूची में टाई होने पर दिशा निर्देश ये दिया गया है कि अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी, यानी जो आपके मेंस में जो आपके मार्क्स आएंगे वो साथ में इंटरव्यू के जो मार्क्स होंगे ये, इस पर जो आपका मार्क्स बनता है टोटल, इस पर मेरिट बनेगी। और इसमें अगर टाई हो जाता है तो वो टाई होने का तो नियम आपको पता है कि मैट्रिक के प्रमाण पत्र में जो चीज़ है उसके हिसाब से देखना होगा, उसके बाद जो एज होता है उसको देखा जाता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर दिया गया है कि जो अंतिम मेधा सूची के लिए न्यूनतम अर्हतांक है वो उसी के बारे में डिस्कस किया गया है, 35% कम से 40% जनरल कैंडिडेट के लिए कम से कम मार्क्स आपको लाना है, ठीक है। 34% जो है ये दिया गया है न्यूनतम अर्हतांक जो है 34% पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, 36 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम अर्हतांक 32%, ठीक है, महिला वर्ग के जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए। तो ये सारी डिटेल है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पर है 1/8/2019 तक आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, 1/8/2019 यानी 1 अगस्त 2019 किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ये स्नातक की परीक्षा आपके पास होना चाहिए। आगे यहाँ पर है उम्र सीमा की गणना, तो उम्र सीमा भी 1/8/2019 के आधार पर आपके पास एज होनी चाहिए। कब से कितनी कितनी, देखिए अनारक्षित यानी सामान्य कोटि के व्यक्ति के लिए 21 से लेकर 42 वर्ष तक होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर है पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए और न्यूनतम उम्र जो है वो होनी चाहिए 21 वर्ष और अधिकतम होनी चाहिए 45। इसके बाद है अनारक्षित सामान्य कोटि और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुषों के महिलाओं के लिए न्यूनतम जो है वो 21 वर्ष, अधिकतम जो है वो 47 वर्ष। न्यूनतम तो हर जगह 21 दिया गया है, अधिकतम में थोड़े थोड़े का फर्क है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आरक्षण है, आरक्षण का आप उसी तरह से पता है आपको, क्षैतिज आरक्षण का जो रूल है वो यहाँ पर है। वैकेंसी किस तरह से कैसी है, अनुसूचित जाति के लिए 34 यहाँ पर है, महिलाओं के लिए इधर दिखाया गया है कि 13। इसके बाद अनुसूचित जनजाति यहाँ पर 2 है, यहाँ 0 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पदों की संख्या 38 है, महिलाओं के लिए यहाँ 15 है। पिछड़े वर्ग में 25 है, यहाँ पर 8 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 22 है, यहाँ महिलाओं के लिए 7 है। पिछड़े वर्गों में महिलाओं के लिए 7 है, यहाँ पर नहीं है। अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के लिए 84 है, यहाँ पर 30 है। टोटल 212 है, महिलाओं के लिए 73 है, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ी है ये सामान्य कैटेगरी के पुरुष महिला के लिए 700 रुपये, EWS के लिए भी 700 रुपये, EBC BC के लिए 700 रुपये, सिर्फ SC ST वालों के लिए 400 रुपये रखा गया है, ठीक है। बाकी सबको 700 रुपये देना है, SC ST के जो पुरुष महिला हैं इनको 400 रुपये पे करना है। तो ये टोटल जो डिटेल थी इस भर्ती की हमने यहाँ पर आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।